दमन में जीएसटी पर उद्योगपतियों को दिया गया मार्गदर्शन। दमन के विवेकानंद ऑडिटोरियम हॉल में गुरुवार को दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तत्वावधान में वैट विभाग ने जीएसटी पर मार्गदर्शन तथा गाइडेंस का सेमिनार रखा, जिसमें बड़ी संख्या में दमन के उद्योगपति और व्यापारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वैट विभाग के अधिकारियों ने जीएसटी पर संपूर्ण जानकारी दी और व्यापारियों तथा उद्योगपतियों का कन्फ्यूजन दूर किया। इस सेमिनार के दौरान वैट विभाग के अधिकारियों ने तो अपना पक्ष रखा ही, दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने भी उद्योगपतियों को संबोधित किया। इस अवसर पर वैट कमिश्नर सोमिया एवं एक्साइज कमिश्नर रेशमा लाखानी समेत बड़ी संख्या में उद्योगपति और व्यापारियों की उपस्थिति रही। मैं जितनी भी बोलूं मैडम ऊपर, आज हमारा जीएसटी के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक स्पेशल सेशन हमने रखा हुआ है, जिसमें हमने सारे दमन के जितने भी ट्रेड है उनको हमने इनवाइट किया हुआ है। दमन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, इन्होंने ये जिस इनके अंडर हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और उन्होंने सारे दमन के जितने भी एंटरप्राइजेस हैं उनको रिक्वेस्ट किया था आने के लिए, और हम क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं अगर उनके पास कोई भी इश्यूज है रिलेटेड टू जीएसटी। सो वी आर अवेलेबल टू क्लैरिफाई द डाउट्स। हमारे हर एक ऑफिस के अंदर, हर एक रेंज के अंदर एक जीएसटी सेवा केंद्र खुला हुआ है, और अगर किसी को भी दिक्कत है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है इन अंडरस्टैंडिंग जीएसटी या क्या फॉर्म भरना है, कब भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन लेना है, तो वो हमारे जीएसटी केंद्र में जा सकते हैं और वहाँ पर किसी भी ऑफिसर से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं, और अगर नहीं तो वो कमिश्नरेट में भी आ सकते हैं। आप मेरे पास आइए, आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज़ द प्रोसीजर, आई विल गिव यू द डायरेक्शन, सो दैट आपका जो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको असुविधा है टू माइग्रेट इनटू जीएसटी, तो वो हम आपके लिए सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई थिंक द एसोसिएशन इज देयर विद अस एंड दे आर ऑल सपोर्टिंग अस, सो दैट यू नो दैट दिस एंटायर प्रोसेस बिकम्स वेरी पीसफुल इन ट्रांजिशन फॉर द ट्रेड एंड द एसोसिएशन। मैडम मेजर कोई इश्यूज आ रहे हैं, इतने सारे सेमिनार्स हो गए और सेमिनार्स अब भी कंटिन्यू है, तो कोई मेजर इश्यूज है? मेजर इश्यूज नहीं है, कोई भी नई चीज़ आती है तो हम लोग, ये इंसान का नेचर है दैट वी गेट डिस्टर्ब, कुछ भी चेंज आता है हमारी ज़िंदगी के अंदर भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट इज चेंज, और चेंज होना ज़रूरी है, और ये जो चेंज है वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, इट्स गोइंग टू लीड टू ईज ऑफ बिजनेस। लेकिन शुरू में जो टीथिंग प्रॉब्लम्स है वो तो थोड़ी बहुत होगी, बिकॉज लोगों को समझ में अभी आने को थोड़ा टाइम लगेगा कि किस तरह से फॉर्म भरना है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके लिए हम लोग हैं। तो जो भी अगर आपको तकलीफ़ है तो हम लोग वी आर यर अवेलेबल टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। मेरे हिसाब से तो दिक्कत कुछ नहीं है, इट्स ओनली द माइंड सेट कि लोगों को ऐसा लगता है कि कोई नई चीज़ आ गई है और हमको ये करना है, बट स्लोली स्लोली आई थिंक इन अ मैटर ऑफ वन और टू मंथ्स सभी लोगों को ये, आई मीन दे विल बी वेरी हैप्पी दैट वी हैव गॉन इनटू दिस न्यू सिस्टम। सबसे पहले तो मैं जीएसटी कमिश्नर रेशमा मैडम एंड उनकी टीम को सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने इनिशिएट किया और उसको कार्य रूप दे के, मतलब ये सेमिनार जो किया है, क्योंकि इसके पहले जो भी सेमिनार हुई है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, उसके पहले हुई थी, क्या क्या रूल रहेगा, क्या रहेगा, उस सारे बारे में, उस सब के बारे में सारी इंडस्ट्रीज को ब्रीफिंग किया। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जो इम्प्लीमेंट होने के बाद जो है क्या क्या डिफिकल्टी आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है हमको ये जीएसटी के साथ काम करने में, वो सारी चीज़ें ब्रीफिंग जो है सेशन रखा गया क्वेश्चन आंसर का, वो सारे इंडस्ट्री जो है यहाँ पर दमन से काफ़ी लोग आए हुए हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आई थिंक हमारे समझ से एसएस गुप्ता साहब जो है काफ़ी इंडिया के रिनाउंड माने जाते हैं कंसल्टेंट, तो उनको बुलाया गया है और सारे जो है क्वेश्चन को उन्होंने वो जो है जवाब देंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, सारी चीज़ें वहाँ पर ब्रीफिंग करेंगे। तो मैं इसके लिए जो है मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा वंस अगेन जीएसटी कमिश्नर मैडम और उनकी सारी टीम को, कि जिन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव किया है, और जो जैसा कि उन्होंने बोला हर समय वो तत्पर है। आई थिंक हमारे समझ से जैसा कि हमने बोला वहाँ पर मंच पे भी 8-10 सेमिनार हो चुका ऑलरेडी, और आगे भी वो रेडी है कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये इंडिविजुअल आइए या साथ में आइए लोगों को, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं उनकी आभार हूँ, मैं और सारे इंडस्ट्रीज लोग यहाँ पर आए हैं, तो आई थिंक इससे बढ़ते और क्या चीज़ सकती है, तो मैं थैंक्स। और आप सभी लोगों को भी, जितने भी मीडिया वाले लोग हों, इसको अवेयरनेस लोगों में लाएँ और प्रचार प्रसार करें, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक्स।